हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। यूपी से बिहार तक जातिगत जनसंख्या का मुद्दा जबरदस्त तरीके से उछलने लगा है। अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में कहा कि यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो जातीय जनगणना कराएगी उनकी सरकार। उधर बिहार में नीतीश कुमार भी जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग कर रख चुके हैं। तेजस्वी यादव भी जातिगत जनगणना के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। अब सवाल है कि आखिर जातिगत जनगणना इतनी जरूरी क्यों है? जनसंख्या की जाति जानने से किसका फायदा होगा? हमारी आपकी जनगणना नहीं करना चाहते? एक समय था देश में चाहते हैं लोग कि जनगणना हो। हम वो आप में लड़ाई करा दी कि आज सब हक यादव छीने ले रहे हैं। कभी कहा जाता है कि हमने हक सबका छीन लिया, पिछड़ों का हक छीन लिया। ये बहस चल रही है लगातार, और जैसे ही चुनाव करीब आता है तो बहस और तेज हो जाती है। इसे समाजवादी पार्टी और हमारी आपकी मांग है। पहले कांग्रेस ने जनगणना नहीं की, हजारों करोड़ रुपए खर्च हो गए, सब गिनती हो गई, लेकिन अभी तक आंकड़े बाहर नहीं आए हैं। जनगणना फिर होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी कभी जनगणना नहीं करेगी, क्योंकि वो जानते हैं आबादी में कौन ज्यादा है, आबादी में किसकी संख्या भारी है। इसलिए कभी जनगणना नहीं करेंगे, लेकिन हम अपने सभी लोगों को भरोसा दिलाते हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार बनेगी तो सबसे पहला काम अगर कोई होगा सरकार का तो जनगणना। अगर वो दिल्ली वाले नहीं करेंगे तो उत्तर प्रदेश की सरकार अपने आप समाजवादी करके दिखा देंगे। जैसे जैसे यूपी इलेक्शन का वक्त करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे जाति आधारित जनगणना यानी कास्ट बेस्ड सेंसस का मुद्दा भी गर्माता जा रहा है। अपोजिशन पार्टीज, खासकर ओबीसी वर्ग से ताल्लुक रखने वाले नेताओं ने मोदी सरकार पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है। इनकी मांग है कि इस बार जनगणना ओबीसी पॉपुलेशन का डेटा अलग से कलेक्ट किया जाए और उसे पब्लिश भी किया जाना चाहिए। हालांकि इस इशू को लेकर सबसे ज्यादा राजनीतिक हलचल बिहार में दिख रही है, लेकिन यह बताने की जरूरत नहीं है कि उत्तर प्रदेश में भी ओबीसी की आबादी काफी ज्यादा है। कोई भी राजनीतिक दल इनकी नाराजगी का जोखिम नहीं उठा सकता, लेकिन बिहार में इस मुद्दे पर सबसे ज्यादा राजनीति इसलिए हो रही है क्योंकि चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने अपने अलायंस पार्टनर बीजेपी के ऑफिशियल स्टैंड के खिलाफ जाकर जातीय जनगणना की मांग कर दी है। यही वजह है कि अब जेडीयू और आरजेडी में क्रेडिट की जंग हो रही है। दोनों पार्टियों को लग रहा है कि अगर जातीय जनगणना होती है तो इसका फायदा कहीं दूसरे को ना मिल जाए। इनकम टैक्स चौराहे को आरजेडी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने यहाँ देखिए जाम कर दिया है। आरजेडी के तमाम बड़े नेता, प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के अलावा कई विधायक यहाँ पर मौजूद हैं। पार्टी दफ्तर से जुलूस निकला और इनकम टैक्स चौराहे पर पहुँचा है। जातीय जनगणना को लगातार आरजेडी मुद्दा बना रही है। इससे पहले भी विधानसभा में इसको लेकर बातें हुई, जेडीयू की भी ये पुरानी मांग रही है और आरजेडी अब इसे लगातार तूल दे रही है। और आप देखिए यहाँ पर काफी संख्या में जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। अब सवाल है कि आखिर ओबीसी वर्ग की जनगणना की मांग क्यों की जा रही है? तो इसका जवाब ये है कि ओपोजिशन पार्टीज, खासकर ओबीसी समाज से आने वाले नेता इसमें सियासी फायदा देख रहे हैं। इनका नारा ही है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ओबीसी नेताओं का दावा, उनकी जाति की आबादी 50% से ज्यादा है। अब अगर आबादी का डेटा आ जाएगा तो उसी हिसाब से सियासी समीकरण बनेंगे, चुनाव में टिकट बंटवारा और जीत का गणित बिठाने में मदद मिलेगी। अभी तक अनुमान के आधार पर ही ओबीसी की जनसंख्या बताई जा रही है। 1931 में आखिरी बार ओबीसी की जनगणना हुई थी। 1951 से 2011 तक की जनगणना में सिर्फ एससी एसटी के आंकड़े जारी किए गए। 2011 में जातीय और आर्थिक आंकड़े कलेक्ट तो किए गए, लेकिन ओबीसी के आंकड़े नहीं बताए गए। अब जबकि फिर से जनगणना हो रही है तो अपोजिशन पार्टीज को लग रहा है कि यही सही वक्त है जब बीजेपी को घेरा जा सकता है। इन्होंने तो अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि जिस वर्ग के जितने लोग हैं उन्हें उसी हिसाब से शिक्षा और नौकरी में भागीदारी मिलनी चाहिए। जब आंकड़े आएंगे तो शायद आप ये मांग करेंगे कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये वही है, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये वही मांग का मुख्य स्वरूप वही है। और आपका क्या अनुमान है कि आबादी बढ़ी होगी तो क्या सिर्फ पिछड़ों अति पिछड़ों की बढ़ी होगी? सवाल है,
हम ओबीसी की बात कर रहे हैं, जो संविधान में सामाजिक और शैक्षणिक आधार मान के जो विशेष अवसर का सिद्धांत है उसके तहत किसको कितनी जवाबदेही मिलेगी। जिसके लिए संविधान में यह प्रोविजन हुआ, पहले उसको दे तो दीजिए, उसको सही रास्ते पर ले तो आइए, उसके बाद आप दूसरे लोगों के बारे में सोचिए। भले ही ओबीसी की गिनती साल 1931 की जनगणना के बाद से ना हुई हो, लेकिन सरकारी योजनाओं के लिए वक्त वक्त पर इसी जनगणना के आधार पर अन्य पेशा वर्ग का अनुमान लगाया गया। जिस मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ओबीसी को 27% का आरक्षण दिया गया, उस कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत में ओबीसी की आबादी किसी राज्य में ज्यादा किसी राज्य में कम है। जैसे कि तमिलनाडु में ओबीसी की आबादी 60% से ज्यादा बताई जाती है, इसी तरह बिहार में 52, उत्तर प्रदेश में 40-42% ओबीसी आबादी बताई जाती है। कुल मिलाकर मोटे मोटे तौर पर कई राज्य अपने यहाँ ओबीसी की आबादी 50% से ज्यादा बताते हैं, और अब इन वर्गों के नेता इसी हिसाब से हिस्सेदारी भी मांग रहे हैं। बीजेपी की मुश्किल ये है कि बिहार में उसके सहयोग से सरकार चला रहे नीतीश कुमार ने भी इस मुद्दे पर आरजेडी और तेजस्वी यादव के सुर में सुर मिलाए हैं। उन्होंने भी जातिगत जनगणना का समर्थन किया है। जो जातिगत जनगणना की बात की गई और 2019 में पास हुआ सर्वसम्मति से, और विधानसभा में 2020 में भी हुआ, उस दिन 19 में तो विधानसभा विधान परिषद दोनों जगह हुआ, ये सब वहाँ भेजा गया और इसके बारे में हम लोग बातचीत करते रहे, ऐसा नहीं है। लेकिन इसके बारे में जो विपक्ष की तरफ से एक सुझाव आया कि सब लोगों को मिल करके माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलना चाहिए और ये कहना चाहिए, तो हमसे मिले, हमने कहा कि नहीं ठीक है, सभी कई दल के लोगों से बातचीत हो चुकी है और मेरे हिसाब से बीजेपी को भी इस बात के लिए इंटीमेट किया गया है, किया जा चुका है और सब कुछ बात कर रहे हैं। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।